देश का छठवां जू बना मकुनपुर चिड़ियाघर, जहां लायन, सफेद बाघ और पीला बाघ एक ही जगह मौजूद हैं। जैसा कि हम आपको पूर्व में ही बता चुके हैं, रीवा के पास मकुनपुर में मातन सिंह जूदेव सफारी में शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक रहा, जहां पर सफेद बाघ की दृष्टि से नजर डालने पर हम कह सकते हैं यह सफारी देश में दूसरे नंबर पर है। इससे ज्यादा सफेद शेर केवल नंदन काना में ही है। वहीं तीनों तरह के शेरों पर नजर डालने पर हम कह सकते हैं कि यह जू देश में छठवें नंबर पर है। शुक्रवार को रीवा दर्शन की टीम ने मातन सिंह जूदेव सफारी का दौरा किया था और वन विभाग सहित मंत्री राजेंद्र शुक्ल से जानने का प्रयास किया था कि शेर कैसे आया। इस बारे में हमने विस्तार से CCF एम काली दुरई से बात की थी। आइए जानते हैं बब्बर शेर को रीवा लाने का रोमांचक सफर कैसा रहा। बट यहाँ पे आए बहुत अच्छा लगा। और दफी हमारा एक प्रेरणा मंत्री जी ने हमको दिया। आज का दिन का खास तो हमारा लायन लेके आए, हम एक लायनेस भी लेके आए, उनका परिवार यहाँ पे लेके आए हैं। उसको हम लोग लगभग तीन दिन से हम तीन तारीख तो हमको आदेश मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। हम उसका तीन दिन क्या है, कल तो हम निकल गए वहाँ से, 48 घंटे के अंदर उसको लेके आना है, वो बहुत बड़ा उपलब्धि है। हम सोचा नहीं था ये फेलियर हो जाएंगे, हमारा एक कॉन्फिडेंट था हम हो जाएगा। हमारे पास लोग बहुत लोग बताया आ नहीं सकते, बहुत लोग बताया इसको उम्मीद नहीं है, बट पता नहीं मुझे थोड़ा भी जरा सा भी नहीं था हम नहीं फेलियर हो जाएंगे, मुझे उम्मीद था। बिकॉज हम हर एक जगह पर बात किया, मैं सेट करके रखा था, बात करके उसको लेके आ गया। बट हमको वहाँ पे सूचना पहले मिल गई था, ये पॉलिटिकल एजेंडा है, छत्तीसगढ़ से लायन आना नहीं देंगे लोग, वहाँ पे कितना पॉलिटिकल प्रॉब्लम है आना नहीं देंगे, लोकल विधायक है ये लोग। बट हमने कॉन्फिडेंटली उसको लेके हम उपलब्ध करवाया यहाँ पे, वो हमारा एक उपलब्धि है। दुनिया के कितने जू होंगे जिसमें हिंदुस्तान में? तो लगभग चार जू है, उसी में ऐसे हमारे पास चार वाइट टाइगर्स है। वाइट टाइगर्स चार इतना तो नहीं है, कुछ जगह दो दो है सिर्फ। नंदनकानन आप भुवनेश्वर देखेंगे सफेद शेर है, और येलो शेर है, येलो टाइगर है, वो हमारा लगभग दो चार है, और लायन तो हर जगह दो है। बट उसी में हिंदुस्तान का पलनो ले लेंगे, उसी में तीनों सिर्फ यहाँ पे है, पांच का पहले थे उसी के अलावा। बट नंबर में देखेंगे वाइट टाइगर चार टाइगर है, उसी में सेकंड नंबर पर ये आएगा। वाइट टाइगर नंदन कानन के बाद हमारे पास ज़्यादा है, अभी हमारे पास चार है। अभी इसी का हम लोग कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर एक खोलना था जेनेटिकली इम्प्रूव करने के लिए और स्टडी करने के लिए, इसी में बहुत जेनेटिक स्टडी करना बाकी है। उसके एक रजिस्ट्री जीन है, उसका अपन लोग कभी भी मीटिंग करेंगे, वो जेनेटिक्स में 1:2:1:3:1 ऐसे ऐसे बोलते हैं, रिसेसिव जीन है, डोमिनेंट जीन है, ऐसे ऐसे हम लोग जेनेटिकली बोलते हैं। वो एक्सप्रेस करती है, एक्सप्रेस करने से हम लोग का कुछ पूछ कट जाएगा, कुछ मूँछ चेहरा ऐसा हो जाएगा, ऐसे एक जानवर पैदा हो जाती है। उसके लिए रिसर्च के लिए यहाँ पे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, यहाँ पे शुरू करने के लिए हम लोग एक प्लानिंग किया था, प्लानिंग करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में दिया हुआ है, उसका अप्रूवल भी हो गया। बट उसको हम साइट अभी खोज रहे हैं, यहाँ पे पास में रखने हैं और गोविंदगढ़ में करने हैं, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। वो हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये विंध्य क्षेत्र है, सफ़ेद शेर का मशहूर है। अभी लायन यहाँ पे आ गया, लायन हम यंग लायन मिलना मुश्किल है। अभी वन विहार में भी है, हर जगह दूसरी जगह में भी है, लायन है वहाँ पे, बट ब्रीडिंग प्रोग्राम वहाँ पे क्या होता है हमको पता नहीं, बट लायन है वहाँ पे। बट हमारे पास लायन है, ये बिल्कुल यंग है, ये प्रोडक्ट ये रिप्रोडक्टिव स्टेज में है, इसका हम लोग फर्दर वृद्धि कर सकते हैं। हमारा जानवर यहाँ पे दूसरे बाड़ा में जानवर लाने के लिए इसको एक्सचेंज में देते, ऐसे लेना पहले बार है, ये एक लायन और वाइट टाइगर बिना एक्सचेंज के हम लोग लेके आए यहाँ पे।
और हर जगह हम पूछेंगे तो बोलते एक्सचेंज में हमको दो। हम चेन्नई में पूछ रहा था, हम चेन्नई में बोला हमको टाइगर चाहिए, वो लोग बोलते एक्सचेंज में चाहिए। और हम एक गहूर बोला था बाइसन, बाइसन के लिए हम बोला बात किया मैसूर में, वो लोग भी एक्सचेंज बोला था और बाइसन देने के लिए वो लोग सहमत हो गया। ऐसे ऐसे जानवर यहाँ पे हम लोग एडिशनल करते जाएंगे, यहाँ पे इतना टूरिज्म बढ़ेगा। इसी के अलावा हमारा एक सोच था बिंदु क्षेत्र में यहाँ पे कितना बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, यहाँ पे होना चाहिए। ये तो वाइट टाइगर हो गया, इसी के अलावा पेड़ पौधा भी यहाँ पे हम इसी का क्षेत्र का हम लगाएंगे। यहाँ पे स्कूल बच्चे का हम भविष्य उनका हाथ में है, उनका शिक्षित करना चाहिए इसी एरिया का वातावरण क्या है, जानवर क्या है, पेड़ पौधा क्या है, उसी का क्या महत्व है, ये बच्चे को होना चाहिए। इसके लिए हम एक एजुकेशन सेंटर अभी बनाना जा रहे हैं, कोई भी स्कूल बच्चा है उनका पूरा हम एजुकेशन हम यहाँ पे देंगे।